सो गाइज, आज अपन एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। अपनी जो साइकिल है अपने वाली तो वैसे इधर खड़ी है, देखो डी भैया की लेके जा रहे हैं। तो अभी अपने को 52 किलोमीटर जाना है, 52 आना, मतलब 104 किलोमीटर की आज की अपनी राइड है पूरी। ठीक है भाई जी, आते हैं। ओके ठीक है जी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसपीटी व्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सांची स्तूपा, जो कि भोपाल से है लगभग 50 से 52 किलोमीटर। दो रास्ते हैं भाई, एक जाता है रायसेन से और एक दूसरा वाला रास्ता है। तो मैं रायसेन होते हुए नहीं जा रहा, दूसरे वाला रास्ते जा रहा हूँ। 52 किलोमीटर की अपनी राइड है। सुबह के 9 बज चुके हैं, देखो कितना टाइम जाने में लगता है, फिर देख के वापसी आना है। तो आज का पूरा दिन तो लग जाएगा वहीं पे, तो जाने आने में। ये वाली साइकिल है भाई, अरे भैया जी वाली साइकिल से, तो इससे इतना टाइम लगेगा नहीं, थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइकिल है और चलती भी आसानी से, सामान भी नहीं है अपने पास में, तो ईजिली जाके आ जाएंगे रात होने से पहले पहले। सांची 36 किलोमीटर। तो भाई जब हमें यहाँ से लेना है राइट, अभी हम आ चुके हैं लगभग आधे घंटे में 16 किलोमीटर। कैन यू बिलीव? नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि मैं एक घंटे में 16 किलोमीटर चला करता हूँ और आज मैं 16 किलोमीटर सिर्फ आधे घंटे में चल गया, क्योंकि ये साइकिल भाग रही है, चल नहीं रही है, भाग रही है। सो गाइस नाउ हम पहुंच चुके हैं अभी कर्क रेखा वाली जगह। ये सामने एक तरफ आप बोर्ड देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसको कर्क रेखा बोलते हैं। उस तरफ भी सड़क के उस साइड भी बनी हुई है, वो देखे सामने कुछ लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और हम भी यहाँ के खड़े हुए हैं। अपनी साइकिल से अपन पहुँच गए, अपने नहीं ठीक है भैया के, बट यहाँ तक भी भाई हम पहुँच गए। ये अपने भारत के 8 राज्य से होती हुई गुजरती है, जिसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है। तो भाई यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। तो भाई जितने भी जो 8 राज्य हैं ना, उन सब राज्य में हम जाने वाले हैं और सब राज्य में अपने को कर्क रेखा मिलेगी भाई। तो हर जगह जाएंगे, वहाँ के बारे में आपको बताएंगे भाई कौन सी जगह जाती है। ये जो जगह है सांची जाते हैं ना, तो उससे 18-19 किलोमीटर पहले आती है और भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर दूर है ये जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। भाई फीलिंग प्राउड, यहाँ पर भी आए हम यार, मस्त जगह है। कर्क रेखा फोटो वोटो खिंचवाएंगे और इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे, और तो क्या ही है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के अलावा अपने पास कुछ काम है नहीं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम सांची तक और अभी हम लेके आए टिकट, 40 रुपये की एक टिकट है पर पर्सन की, मतलब 15 साल से नीचे वाले की कोई टिकट नहीं है। तो अपनी जो साइकिल है हमने यहाँ पे खड़ी कर दी और सामने देखो लोग लगा दिए ग्रिल के साथ में, और यहाँ पे टिकट कर नीचे ही है। अभी हमें ऊपर चढ़ के जाना है, ये जो सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही है ना, इसके ऊपर स्तूपा बना हुआ है। तो भाई मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। टिकट भाई जी ऊपर चेक करानी है यहीं पर? ऊपर स्कैन होगी। ठीक है भाई जी, तो मैं पैदल जा रहा हूँ भाई, ऊपर जाके ना सीढ़ियाँ निकल जाती है तो सीढ़ियों से चला जाऊँगा, और साइकिल से जाऊँगा ना तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो अपन पैदल चल लेते हैं। और भाई यहाँ तक आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं भोपाल से, और भोपाल तक आप देश में किसी भी कोने से आ सकते हैं फ्लाइट और ट्रेन दोनों से। और सांची आपको रेलवे स्टेशन से ये जो जगह है मेन जगह है, वो लगभग पड़ेगी 3 किलोमीटर, तो वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो भाई गाड़ी वालों को उधर से घूम के जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और अपन जा रहे हैं अभी। ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी दूरी पर है सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से जाएंगे। जो पैदल वाले हैं वो सीढ़ियाँ बनाई गई उनके लिए, तो सीढ़ियों से चल जाएँ। और इस तरफ भाई एक छोटा सा तालाब भी है, बाकी लोग आ भी रहे हैं कुछ ऊपर से जो देख के आ रहे हैं, और हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तालाब में पानी नहीं है इतना ज़्यादा, कमी है पानी तो अभी। सो गाइस ये है सामने की तरफ पार्किंग, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, और सामने की तरफ मंदिर है जो कि हम आते हुए देखेंगे, और वहाँ से हमें टिकट वगैरह चेक करा के अंदर जाना पड़ेगा। तो कराते हैं टिकट चेक और पहुँचते हैं अंदर। सामने की तरफ आपको स्तूपा दिख रहा होगा, दूर है थोड़ा सा, अभी चलते हैं पास में। सो गाइस टिकट चेक करा के आ चुके हैं हम अंदर की तरफ। सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा स्तूपा, वहाँ उधर भी बना हुआ है, इस तरफ भी बना हुआ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, पास जाके दिखाता हूँ, ये अपने जो 200 का नोट है ना उसके ऊपर भी आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो चलते हैं पास में और पास से देखते हैं, पास से उनको निहारते हैं भाई। बाकी इस तरफ पार्क वगैरह बने हुए हैं, एकदम पूरी ग्रीनरी है भाई, पूरे पहाड़ के ऊपर बना है, यहाँ से व्यू बहुत शानदार है। और ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है भाई, हर जगह पर जो भी स्तूपा बना हुआ है ना उनके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आए हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे मेन जो स्तूपा है ना, वहाँ पे मैं हूँ। एक्चुअली स्तूपा क्या होता है मैं बताता हूँ, ये होती है भाई समाधि। इस समाधि के अंदर जो भगवान बुद्ध थे ना,
उनके शरीर के कुछ जो अण वो इसके अंदर रखे हैं। तो ये वाला जो स्तूपा आप देख रहे हैं, ये मेन स्तूपा, ये बनवाया था अशोक ने आज से 2000 सन पहले। तो उस टाइम पे ये बनवाया गया था, उसके बाद में ये जब सारा जो बनवाया गया था इसके अंदर छोटा हुआ करता था, बाद में इसको बड़ा बनाया गया था, जो ईंटों से बनाया गया था, ब्रिक से। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 200 साल बाद में बनाया गया था। तो भाई ये जो सारे स्तूपा बनवाए गए थे वो अशोक द्वारा भगवान बुद्ध की याद में बनाए गए थे। इन सब के अंदर भगवान बुद्ध के कुछ शरीर के अंग हैं, जो जलाने के बाद में, इंसान को जलाने के बाद में जो अंग होते हैं, जैसे हम गंगा जी में बहाते हैं, तो उस तरीके से इनके अंदर रखे गए हैं। भाई काफ़ी मस्त बना गया भाई, बहुत लोग आ रखे हैं। और तो भाई यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, नंबरिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4। और इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, इनके द्वार के नाम लिखे हुए हैं, दक्षिण तोरण द्वार, तो इन पे नंबरिंग लिखी हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे बता रखा है। और इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो ये कुछ नक्काशियाँ की गई है, उस नक्काशियों के बारे में सारी डिटेल है ना आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं पूरी पढ़ के आपको नहीं बता सकता। बौद्ध धर्म का कैसे जन्म हुआ था, उस सारा कुछ इसमें डिटेल से बताया गया है, पूरा ऊपर से लेके नंबरिंग के हिसाब से। तो हर एक तोरण द्वार के बाहर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। भाई ये सामने की तरफ आप दो पिलर देख रहे हैं, दो पिलर रखे हुए हैं, ये था अशोक स्तंभ, ये सामने की तरफ आपको पिलर दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। और इसको यहाँ पर तुड़वा दिया गया था भाई, तुड़वाए किसान था, स्थानीय जो जमींदार थे भूतकाल में, उन्होंने तुड़वा दिया था, वो इस पर लिखा हुआ है। तो इनके दो टुकड़े यहाँ पे रखे हैं, और जो ऊपर की तरफ सिंह की मूर्तियाँ थी वो अभी संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय यहाँ पे नहीं है, संग्रहालय है भाई नीचे की तरफ, जहाँ से हमने टिकट लिया वहाँ पे है संग्रहालय, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। संग्रहालय भाई आज फ्राइडे के दिन बंद रहता है। और ये देखिए भाई, आधा स्तंभ जो है अभी एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके जो टुकड़े हैं वो वहाँ रखे हुए हैं सामने की तरफ। तो गाइज अभी मैं आया हूँ मंदिर के साइड, वो सामने मंदिर है उसके बारे में आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटी छोटी समाधियाँ, ये सब समाधियाँ हैं। और भाई ये जो भगवान बुद्ध हुआ करते थे ना, उनके जो शिष्य थे ना, उनकी सबकी समाधियाँ हैं। तो यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी आपको समाधियाँ दिखेगी छोटी छोटी बनी हुई, तो यहाँ पे जितने भी जो शिष्य थे ना उनके, उन सब की समाधियाँ यहीं पे बनी हुई है। और भगवान बुद्ध की जो समाधि है उनके पास में चारों तरफ, जो आप देख रहे हैं मंदिर, अभी उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वो मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर है, पहला मंदिर, सबसे पहला मंदिर जो है वो ये, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, जो कि अभी रखी हुई है नहीं, ये तो आइडिया नहीं है, बताते हैं कि रखी होती थी, अभी अगर नहीं होगी तो वो नीचे संग्रहालय में होगी, तो आज हम संग्रहालय तो देख नहीं पाएंगे, बट आपको सबसे पहला मंदिर जो है भारत का वो आपको दिखा देते हैं, भगवान बुद्ध का। तो भाई ये है वाला मंदिर जिसके अंदर में भगवान बुद्ध की अभी मूर्ति रखी हुई है, आपको मे भी दिखे या नहीं दिखे, देखो दिख रही है थोड़ी बहुत, अभी भी एजिटीज रखी हुई है इस पर भाई, पूरा मतलब मंदिर है ना अभी एजिटीज वैसा तो नहीं है, आपको खंडित दिखेगा, देखो मूर्तियाँ वगैरह जितनी भी है ना सारी की सारी खंडित है भाई, और ऊपर से भी खंडित है। तो ये तो सब बाद में हुआ था, हम सबको पता ही है, बट ये 2300 साल पुराना मंदिर और भारत का सबसे पहला मंदिर यही है भाई। और गाइस इस पहाड़ी के ऊपर से ये है कुछ व्यू भाई, सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, दूर तक आपको लोगों के खेत दिख रहे होंगे, और इस तरफ आपको दूर है ना थोड़ा बहुत दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा आइडिया नहीं है, वो है भाई विदिशा शहर, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर के साइड की तरफ आए थे, वो देखो भाई क्या शानदार व्यू है यार। तो गाइस ये जो जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब सम्मिलित किया गया था, वो टाइम था 1989, तो इतने टाइम पहले इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। और अभी काफ़ी सारे लोग भाई यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए इस जगह को। और ये सामने स्तूपा है, ये भाई यहाँ पे बनाया क्यों गया, अशोक ने यहाँ पे क्यों बनवाया, क्योंकि उनकी शादी हुई थी ना, वो विदिशा जो शहर है उनके एक बिजनेसमैन थे, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी, और वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो स्तूपा था भगवान बुद्ध का वो यहाँ पर बनवाया था। तो भाई ये सामने आप देख रहे हैं ये तालाब टाइप कुंड बना हुआ है, ये किया जाता था उस टाइम पे पानी स्टोरेज, जो बारिश का पानी होता था ना वो पीने के लिए यहाँ पे स्टोरेज किया जाता था। और सामने की तरफ आपको छोटे छोटे से मकान टाइप से कुछ दिख रहे होंगे, यहाँ पे भाई जो बुद्ध धर्म में जो शिष्य थे उनके वो यहाँ पे रहा करते थे। तो ये मतलब सारा ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, पहले यहाँ पर ना जंगल हुआ करता था पूरा, अभी तो भाई पूरा बसावट टाइप हो गया है नीचे भी और ऊपर की तरफ भी, तो इसलिए अभी ठीक है, बाकी ये पूरा जंगल हुआ करता था, घनघोर जंगल, जहाँ पे कोई लोग आए नहीं करते थे, बस सिर्फ यहाँ पे ना बुद्ध धर्म के जो शिष्य लोग हुआ करते थे, बुद्ध धर्म को जो मानते थे ना वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो ये इनके यहाँ पे मकान हुआ करते थे उस टाइम के, जो कि अभी तो पूरा मतलब आधे आधे ही हैं, पूरे दिख भी नहीं रहे, ज़मीन के नीचे हैं। और ये आपको बताया मैंने कुंड है पूरा, यहाँ पानी स्टोरेज किया जाता पहले, अभी तो पानी नहीं है, सूखा ही पड़ा पूरा। और गाइस यहाँ पे जो मेन स्तूप है ना उसके चार द्वार हैं, और चार द्वार में से वेस्ट और साउथ वाला जो द्वार है वो तोड़ा गया था भाई ब्रिटिश शासन के टाइम पे,
कि इसके अंदर कुछ होगा सोना वगैरह उसके लिए, बट उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने तोड़ा जरूर थे, उसके बाद में दोबारा से बनवाए गए। फिर उसके बाद में 89 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया गया था इसको। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से बाहर से, जो बाहर आपको मैंने मंदिर बताया था ना कि बाहर की तरफ एक मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए। ये मंदिर गाइज 1952 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसमें जो मूर्ति रखी गई थी नवंबर मंथ में 1952 के अंदर। तो ये मंदिर के भी दर्शन करके आते हैं। अभी मंदिर खुला हुआ है, वैसे ये 12 बजे के और 1 बजे के बीच बंद रहता है क्योंकि यहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं वो उस टाइम पे खाना खाने के लिए जाते हैं। तो अब 12 बजे 1 के बीच में अगर आएंगे तो मंदिर बंद मिलेगा आपको। चलते हैं भाई, मंदिर के दर्शन भी करना जरूरी, आए हुए हैं तो मंदिर के दर्शन भी करके जाते हैं। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम वापसी घर के लिए, भोपाल के लिए। 3 बजे हैं, 2-3 घंटे में हम घर भी पहुंच जाएंगे। आते टाइम 2.5 घंटे में आ गया था। तो दोस्तों ये जगह आपको कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो प्लीज़ गाइस शेयर करना। काफ़ी अच्छी जगह थी भाई, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब कुछ बना हुआ है, पानी की व्यवस्था है, तो अच्छी जगह है। आओ एक बार, अगर मध्य प्रदेश आओ, भोपाल आओ तो सांचिया के जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, बाय बाय जी। तेरा पहुंच गया परिशा तो वर्षा दे हिसाब दे, तेरी तेरिया।